स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बोई कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बोई कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का वीडियो उन सभी रेल यात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फ्रेंड, न्यूज़ के मुताबिक आपको पता चल ही गया होगा कि रेलवे इस समय बैटिंग टिकट से सफ़र करना अलाउ नहीं कर रही है। जी हाँ फ्रेंड, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना। रेलवे का कहीं पे भी ऑफिशियल बयान नहीं आया ट्विटर वगैरह पर, लेकिन न्यूज़पेपर के मुताबिक पता चला है कि आप सफ़र नहीं कर सकते बैटिंग टिकट से। बहुत सारे ऐसे रूट हैं जहाँ पे रेल यात्रियों ने हमें कमेंट करके बताया कि सर बैटिंग टिकट से स्लीपर में सफ़र किया देने जा रहा है, एसी में सफ़र नहीं किया देने जा रहा है। बहुत सारे ऐसे रूट हैं जहाँ पे स्लीपर वालों को निकाल दिया जा रहा है। जी आप हैं, मतलब जो स्लीपर में बैटिंग टिकट से सफ़र कर रहे हैं उनको भी उतार दिया जा रहा है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे नए नए चीज़ें सुनने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड, रेलवे ने अब यहाँ पर यह फैसला लिया हुआ है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनमें जनरल क्लासेस बहुत कम है, वो जनरल क्लासेस बढ़ाएगी और एसी की बोगियाँ कम करेगी। जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। खासकर ऐसी ट्रेनें जो यूपी और बिहार जाती हैं उनमें दोस्तों परमानेंटली एसी के कोचेस कम किए जाएंगे, या किसी में अगर स्लीपर के कोचेस ज़्यादा उनको कम किए जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अनुजल डिब्बे के कोचेस बढ़ाए जाएंगे ताकि यहाँ पर रेल यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर दोस्तों रेलवे से मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप काउंटर बैटिंग टिकट से सफ़र नहीं करने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे रेल यात्रियों का ये कहना था कि अगर आपने काउंटर बैटिंग टिकट से सफ़र करने पर रोक लगा दी तो कम से कम आपको 1 महीने 2 महीने या 3 महीने पहले आपको बताना चाहिए था, ताकि जो रेल यात्री हैं उसी हिसाब से अपना प्लानिंग कर सके। लेकिन रेलवे ने यहाँ पर कोई अपडेट ना दे के डायरेक्ट दोस्तों चालू कर दिया है, और रूल्स के हिसाब से जाएंगे बहुत पहले यहाँ पर लिखा हुआ था कि मतलब कंफर्म टिकट वाले ही सफ़र कर सकते थे, बट दोस्तों रेलवे इस पर ध्यान नहीं देती थी। और बैटरी जब कोरोना वगैरह चल रहा था तब उस समय रेलवे ने ध्यान दिया, उसके बाद फिर रेलवे ने काउंटर बैटिंग टिकट से सफ़र करवाना चालू कर दिया। उसके बाद जब लगातार रेलवे को कंप्लेन मिला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और रियल में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जो लोकल वाले हैं बहुत सारे ऐसे रेल यात्री हैं जो बिना टिकट वाले हैं वो चढ़ जाते थे यहाँ पर, जिनके पास कन्फर्म टिकट है वो अपने सीट पर नहीं बैठ पाते थे या सो पाते थे, तो ऐसे में रेलवे को ये फैसला लेना पड़ा। तो रेलवे का फैसला सही है, कोई फैसला गलत नहीं है। आप भारी मात्रा में स्पेशल ट्रेनें निकालें, चालू ट्रेनें निकालें, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें निकालें जो रूट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बिजी रूट है, इतना काम आप कर दीजिए ताकि रेल यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड, सभी रेल यात्रियों से मैं यही निवेदन है कि दिवाली वगैरह की जो बुकिंग कर रहे हैं, बैटिंग टिकट बुक करने की चक्कर में ना पड़े। वो सीजन है उस समय दोस्तों 10-10, 20-20, 50-50 नंबर की बैटिंग टिकटें भी नहीं कंफर्म होती अगर आप ज़्यादा बैटिंग टिकट बुक करते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, स्पेशल ट्रेन की लिस्ट आती रहेगी और वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।